वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन को वेट की वजह से करते हैं ट्रोल तो अभिषेक बच्चन को लगता है बुरा। कई बार अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी को ट्रोल करने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है, तो कई बार इंटरव्यू के दौरान पत्नी के लिए अभिषेक का दर्द छलका है। वहीं सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय को एक्स्ट्रा पॉजिटिव मॉम का टैग भी मिलता है, लेकिन अभिषेक का ये मानना है कि वो एक सुपर मॉम है। उन्होंने सरेआम ये कहा है कि वो एक सुपर मॉम है और काम के साथ साथ अपनी मॉम होने वाली ड्यूटीज को भी अच्छे से मैनेज करती है। जी हाँ, पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों अपनी शादी में चल रही खटपट की वजह से सुर्खियों में छाई हैं। हालांकि द आर्चीज की स्क्रीनिंग पर पूरे बच्चन परिवार के साथ शिरकत कर एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया, लेकिन अक्सर आज को इंटरनेट पर उनके वेट और बेटी के लिए एक्स्ट्रा पॉजिटिव होने की वजह से भी ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन अभिषेक ने सरेआम हर किसी को अपनी पत्नी के लिए एक बार ऐसी बात बोल दी थी कि हर कोई हैरान रह गया था। दरअसल साल 2017 में इंटरव्यू में उन्होंने ऐश्वर्या को सुपर मॉम कहा था, जो जग जाहिर भी है। उसी इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने ये भी साझा किया कि वो ऐश्वर्या राय के वजन बढ़ने पर मीडिया की आलोचना से परेशान थे। अभिषेक ने कहा था, जब वो माँ बनी तो उनका करियर पीछे चला गया, आज वो आराध्या के लिए सब कुछ करती है, वो सुपर मॉम है। आराध्या के जन्म के तुरंत बाद मीडिया ने उनके बढ़ते वजन को लेकर चर्चा शुरू कर दी थी, घटिया बातें लिखी गई, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। जो कोई भी उन्हें जानता है वो जानता होगा कि उन्होंने कभी जिम में एक दिन भी नहीं बिताया। एकमात्र समय था जब हम धूम 2 की शूटिंग कर रहे थे और उदय चोपड़ा, ऋतिक रोशन और मैंने उन्हें जिम जाने के लिए कहा था। अभिषेक यही नहीं रुके, उन्होंने आज को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बताया और कहा कि वो किसी चीज को लेकर शिकायत नहीं करती। अभिषेक ने आगे कहा था, आज तक लोग उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहते हैं और मुझे पता है कि वो इस प्यार के लिए बेहद आभारी हैं। वो अपने फैंस को महत्व देती हैं और प्रशंसा के साथ साथ अपने करियर की तामझाम का भी आनंद लेती हैं। बिजी जर्नी शेड्यूल और अनियमित काम के घंटों के बावजूद मैंने कभी उन्हें प्लेन के आगे पीछे मारुति या मर्सिडीज के बारे में शिकायत करते नहीं सुना। उनका ध्यान छोटी छोटी बातों पर नहीं है, ये चीजें हैं जो मुझे इम्प्रेस करती हैं। भले ही इन दिनों अभिषेक और ऐश्वर्या के अलगाव की खबरें जोरों पर हैं, लेकिन दोनों ने कई मौकों पर एक दूसरे पर प्यार बरसाया है। अभिषेक हमेशा हर मुश्किल में आज के साथ खड़े रहते हैं। वो कई बार अपनी वाइफ को ट्रोल करने वालों की क्लास लगा चुके हैं। हाल ही में दोनों को एक साथ द आर्चीज की स्क्रीनिंग पर देखा गया था। ये पहला मौका था जब तलाक की खबरों के बीच ये जोड़ी एक साथ मीडिया के सामने या किसी इवेंट में नजर आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।